लास्ट लेक्चर में बच्चों हमारी जो मेनली डिस्कशन थी वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर थी, उसमें से भी जो पोलर फॉर्म थी हमने उससे रिलेटेड काफी डिस्कशन की थी। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है, पोलर फॉर्म आई कैसे, फिर आर्गुमेंट किस तरीके से आप निकालोगे और बाकी फॉर्म्स भी हमने थोड़ी देखी थी। अब जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर वो होता है डी मॉर्गन थ्योरम, वो हम डिस्कस करेंगे। अब हम अच्छी खासी पोजीशन में आ गए हैं कि हम आसानी से उसको समझ लेंगे कि डी मॉर्गन थ्योरम क्या होता है। अच्छा, उससे पहले अगर आपने जो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सीखी भी है ना, उसके अंदर कार्टेशियन फॉर्म के अंदर, पोलर फॉर्म के अंदर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन काफी इजी होती है। अगर आपके पास ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट है ना, तो आप डायरेक्ट ही उनको आसानी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या कोई मुश्किल स्टेप नहीं करने पड़ते। तो मैं और बता देता हूं, कंसिडर कर लो कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन आर वन कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और कंसीडर कर लो आपके पास एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस है आर टू और थीटा हम कर लेते हैं थीटा टू, ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो आप क्या, अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, और मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है जिस तरह आपने मल्टीप्लाई करना है कि आर वन आर टू को तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, उनको तो साइड पे हम रखते हैं। कॉस थीटा वन को इससे मल्टीप्लाई करना, ये हो जाएगा कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू। अभी मैं रियल की बात कर रहा हूं, और फिर रियल कैसे आएगा जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा टू। तो कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा टू, ये फॉर्मूला बनेगा वही कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। तो अगर आप अप्लाई करोगे तो यहां पे आपके पास एक टर्म आ जाएगी कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू। इसी तरीके से इमेजिनरी कैसे आएंगे, जब आप कॉस थीटा वन को इससे करोगे या इस वाले को आप इससे करोगे, तो आयोटा कॉमन लेना सॉल्व करना, आपके पास आ रहा होगा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू, साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपको नजर आएगा। तो जब आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में मल्टीप्लाई करते हो तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप उनके मॉडुलस को आपस में मल्टीप्लाई करो और जो उनके आर्गुमेंट्स थे उनको आपस में ऐड कर दो। तो अगर आप ऑब्जर्व करो इनके आर्गुमेंट्स ऐड हुए हैं बस, तो ये बड़ा इजी होता है करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर में दे दू कि मैं आपको बोलूं कि यार मल्टीप्लाई करो टू कॉस पाई बाय थ्री प्लस आयोटा साइन पाई बाय थ्री, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आप मल्टीप्लाई करो इससे कि थ्री मल्टीप्लाई कॉस पाई बाय टू प्लस आयोटा साइन पाई बाय टू। अब अगर आपने इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल आपको क्या करना है, टू को थ्री से मल्टीप्लाई करो सिक्स हो जाएगा, लिखो कॉस पाई बाय थ्री प्लस पाई बाय टू, यहां पे आर्गुमेंट क्या है, एक पाई बाय थ्री एक पाई बाय टू है, पाई बाय थ्री होता है 60 डिग्री, पाई बाय टू होता है 90 डिग्री, 60 और 90 को ऐड करोगे 150 आएगा, 150 डिग्री होता है 5 पाई बाय 6, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 6। अब कितनी आसानी से आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, आप वैसे मैनुअल मल्टीप्लाई करते हैं फॉरी काटते, जस्ट आपने क्या किया आर्गुमेंट्स को ऐड किया, मॉडुलस को आपस में मल्टीप्लाई किया। अब आप सॉल्व करना चाहो तो कर लोगे इसको, कार्टेशियन फॉर्म में आपने कन्वर्ट करना आसानी से कर सकते हो। ये हो जाएगा कॉस फाइव पाई बाय सिक्स, कॉस फाइव पाई बाय सिक्स होगा माइनस रूट थ्री अपॉन टू और ये हो जाएगा वन अपॉन टू, फिर आप सिक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा माइनस थ्री रूट थ्री प्लस थ्री आयोटा। तो चाहो तो पोलर फॉर्म में अगर आपसे बोला हुआ है तो पोलर फॉर्म में आपने आंसर दे दिया, चाहो तो कार्टेशियन फॉर्म में आंसर दे दो। तो मल्टीप्लीकेशन काफी आसान हो जाती है पोलर फॉर्म के अंदर, इसी तरीके से डिवीजन भी है। अगर आप इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करो सॉल्व करो तो आपके पास आंसर आएगा आर वन अपॉन आर टू मल्टीप्लाई कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा वन माइनस थीटा टू। जब आप डिवाइड करते हो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में तो बस क्या होता है कि उन दोनों के मॉडुलस आपस में डिवाइड हो जाते हैं और जो आर्गुमेंट है वो आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो। अगर आपने जेड वन को डिवाइड किया जेड टू से तो माइनस जो है वो थीटा टू के साथ आ जाएगा, ठीक है, और अगर आप Z2 अपॉन Z1 कर दोगे तो माइनस जो है वो थीटा वन के साथ आ जाएगा। और इसका प्रूफ अगर डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करोगे तो काफी आसानी से आप इसका प्रूफ भी देख लोगे। खैर वो प्रूफ देखना मुश्किल बात नहीं है, आप लोग खुद भी सर्च कर सकते हो, डी मॉर्गन थ्योरम भी अप्लाई कर लेना, इस डिवीजन को ऊपर लेके जाना, माइनस वन पावर होगी, डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करना जो भी है। अच्छा जी, तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है तो आप क्या करो, टू अपॉन थ्री हो जाएगा अगर ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाई ये वाला, तो टू अपॉन थ्री और बाकी क्या होगा कॉस पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय टू प्लस आयोटा साइन पाई बाय थ्री माइनस पाई बाय टू। तो डिवाइड करना भी आपके लिए बच्चों वाला खेल हो गया, सिंप्लीफाई करना आपके पास डिवीजन हो जाएगी। तो ये बेसिक बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए।
अब जो टॉपिक है वो डी मॉर्गन थ्योरम है। डी मॉर्गन थ्योरम समझने से पहले आपको बेसिक बात मैं बता दूं कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है जेड जो है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आप क्या करते हो, आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्क्वायर करते हो। डी मॉर्गन थ्योरम जो है वो टोटली डील करता है पोलर फॉर्म के अंदर। तो पोलर फॉर्म अगर आपको समझी हुई है तो इतना मसला नहीं है आपके लिए। अब अगर आप इसको स्क्वायर करते हो, स्क्वायर का मतलब आप इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करते हो। तो आपने देखा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करने का तरीका पोलर फॉर्म में क्या होता है कि अगर मैं इसी को अपने आप से मल्टीप्लाई करूंगा तो आर और आर मल्टीप्लाई होकर आर स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। और आर्गुमेंट क्या होते हैं, आपस में ऐड होते हैं। इसका आर्गुमेंट थीटा है तो उसका आर्गुमेंट भी थीटा ही है ना, अपने आप से मल्टीप्लाई करना, थीटा प्लस थीटा टू थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस टू थीटा प्लस आयोटा साइन टू थीटा। इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं आपने इसका क्यूब मालूम करना है तो अगेन आप वही लगाना, ये हो जाएगा आर क्यूब कॉस थ्री थीटा प्लस आयोटा साइन, सॉरी यहां पर टू आएगा, आयोटा साइन थ्री थीटा। तो आप यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हो एक बात कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को उसकी पावर में लेके जा रहे हो ना, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर की जब आप पावर कैलकुलेट कर रहे हो तो वो जो पावर है वो मॉडुलस के ऊपर आ जाती है और जो एंगल है उनसे मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे यहां पे पावर टू थी मॉडुलस के ऊपर आ गई और एंगल से मल्टीप्लाई होगी, यहां पे पावर थ्री थी मॉडुलस के ऊपर आ गई और एंगल से मल्टीप्लाई होगी। यही जो है डी मॉर्गन थ्योरम है और ये आप मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ कर सकते हो कि इवन थ्री से ग्रेटर भी जो भी आप यहां पे पुट कर दो ये बात सेटिस्फाई हो रही होगी, पावर एंगल से मल्टीप्लाई होगी और मॉडुलस के ऊपर आ जाएगी। इसका प्रूफ भी मौजूद है मैथमेटिकल इंडक्शन से, चाहो तो वो भी देख लेना आप लोग। तो अब हम इस पोजीशन में आ गए कि हम पढ़ें इस थ्योरम को, डी मॉर्गन थ्योरम। स्पेलिंग देख लेना यार, कभी हल्की पुल्की गलत हो सकती है। डी मॉर्गन थ्योरम सिंपल ही कहता है, अच्छा डी मॉर्गन थ्योरम की एप्लीकेशन तो काफी है लेकिन जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो डी मॉर्गन थ्योरम से आप कर रहे होते ना वो ये कि अगर आपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर निकालनी है तो डी मॉर्गन थ्योरम आपको ये कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, कंसीडर करो जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था और आपने उसकी पावर एन करनी है तो सिंपल किसके बराबर होगी, उस पावर को आप आर के ऊपर लगा दो और उस पावर को आप एंगल से मल्टीप्लाई कर दो। ये है सिंपल डी मॉर्गन थ्योरम। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, मतलब z की पावर n इक्वल टू r की पावर n sis n थीटा। ये थी डी मॉर्गन थ्योरम को इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, sis की फॉर्म में। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था sis के बाद आप एंगल लिखते हो ना, तो एंगल इनके क्या है n थीटा और यहां पे r की पावर n तो आपने एज़ इट इज़ लिख दी है। तो ये मेन मकसद होता है डी मॉर्गन थ्योरम, मतलब आप कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर निकाल सकते हो। अब वैसे पावर निकालना बड़ा मुश्किल होता है ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि यार ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस रूट थ्री आयोटा, इसकी पावर 10 निकालो। ये आपको दिखने में लग रहा है बहुत ही अजीब सा काम है क्योंकि अगर आपको डी मॉर्गन थ्योरम वाली टेक्निक नहीं आती तो सबसे इजी काम आप यहां पे क्या कर सकते हो जो कि मुश्किल लेंथी है वो है कि आप बाइनोमियल थ्योरम लगाओ, 1 प्लस रूट थ्री आयोटा को बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करो, 11 टर्म्स आएंगे, सिंप्लीफाई करो तब होगा। लेकिन डी मॉर्गन थ्योरम ने लाइफ आपकी बड़ी आसान कर दी है, उसने बोला है कि यार जस्ट मुझे आप कॉम्प्लेक्स नंबर दो पोलर फॉर्म के अंदर, मैं आपकी जो पावर है उसको बहुत जल्दी निकाल के दिखा दूंगा। तो बिलफर्स अगर आपको चीज निकालनी है तो आप क्या करो, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो। पोलर फॉर्म क्या थी, बहुत ही मशहूर कॉम्प्लेक्स नंबर है, बार बार मैंने इसी की एग्जाम्पल दी है। तो पोलर फॉर्म टू थी, मतलब आर टू है और एंगल यहां पे 60 डिग्री आ रहा था, आयोटा साइन पाई बाय 3, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने कन्वर्ट कर दिया पोलर फॉर्म में। जैसे ही आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया अब आप डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करो। डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहता है, पावर टू के ऊपर भी आ जाएगी और जो भी पावर है उससे आप एंगल को मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। ये आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कोई लंबा काम करने की आपको जरूरत नहीं है। डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करो, लाइफ आपकी बड़ी इजी हो जाएगी। 2 की पावर 10 इज 1024 और cos 10 पाई बाय 3 क्या हो जाएगा, 600। cos 600 क्या होगा, ये आप कैलकुलेटर बाहर भी आप निकाल सकते हो, कैलकुलेटर की कोई मोहताज ही नहीं है आपको। 360 हो गया, 450, 540, 630 यहां पे होता है, तो पहले रुक जाओ आप ये। तो अगर आप यहां पे cos निकालोगे ना तो cos की वैल्यू आएगी आपके पास -1/2, तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस आयोटा। साइन यहां पे निकालोगे तो -√3/2 क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये हो जाएगा। कितनी लाइफ आपकी इजी हो गई, पोलर फॉर्म में भी आपके पास आ गया, कार्टेशियन फॉर्म में भी आ गया, ये काम इतना आसानी से आपने डी मॉर्गन थ्योरम से कर लिया। एक बात ख्याल रखना, डी मॉर्गन थ्योरम जो अप्लाई होता है ना तो वो उसी वक्त अप्लाई होता है
जब आपके रियल जो पार्ट है ना उसमें कॉस आ रहा है, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर रियल में कॉस आ रहा है और इमेजिनरी में साइन आ रहा है तभी आप ये अप्लाई कर सकते हो, वरना अप्लाई नहीं कर सकते। इस चीज को ध्यान में रखना। उसी की मैं एग्जांपल साथ दे देता हूं कि अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में दिखने में आपको लग रहा हो कि कन्वर्ट हुआ है लेकिन होगा नहीं, हो बिल्कुल, अगर आपको बोला जाए आप कंसिडर कर लो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर है वो वन है, ठीक है, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। ये लिखा हुआ आपके पास प्लस आयोटा कॉस थीटा, और कंसीडर कर लो आपको बोला गया कि यहां पे पावर सिक्स आपने निकाल लिया। अब जो आर कंसीडर कर लो यहां पे वन है। अब मासूम बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे और कहेंगे यार किसके बराबर है, ये बराबर है साइन सिक्स थीटा प्लस आयोटा साइन सिक्स आयोटा कॉस सिक्स थीटा, और वो कहेंगे कि उनका आंसर ठीक है, गलत है उनका आंसर, ये चीजें आपस में इक्वल नहीं है। क्यों? डिमॉर्गन थ्योरम आप अप्लाई उस वक्त करते हो जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो। ये पोलर फॉर्म है क्या, इसमें रियल में साइन आ रहा है इमेजिनरी में कॉस आ रहे हैं, ये कौन से पोलर फॉर्म होती है, उसका मतलब आपको इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आप काम करोगे जो भी करना है। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके मेनली, वो डिपेंड करता है किस सवाल में आप यूज कर रहे हो, मैं दोनों बता देता हूं, अपनी अपनी जगहों पे यूज हो रहे होते हैं। पहला तरीका क्या है कि आप ट्रिग्नोमेट्री सिंपल यूज करो। ट्रिग्नोमेट्री में कॉन्सेप्ट होता है को फंक्शन का, वो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो साइन थीटा है ये बराबर होता है कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस थीटा। ये मैंने आप लोगों को अगेन ट्रिग्नोमेट्री में बात बताई थी, अलाइड एंगल्स के अंदर बताया था कि जब 90 डिग्री आता है, फॉर एग्जांपल इसको सॉल्व करो कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा। सॉल्व किस तरह करते हैं इसको, 90 पे फंक्शन चेंज होता है ना, तो कॉस था वो साइन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो यहां पे थीटा वो यहां पे आ गया, और पाई बाय टू में से जब माइनस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। इस तरह भी आप समझ सकते हो, या को फंक्शन का कॉन्सेप्ट होता है कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा, मतलब 90 से आप माइनस करो। सिंपल लैंग्वेज में जो साइन 30 डिग्री की वैल्यू है ना, वो वैल्यू होगी कॉस 90 माइनस 30, मतलब 60 की, तो साइन 30 कॉस 60 बराबर होते हैं। इसी तरह फॉर एग्जांपल साइन 50 डिग्री की जो वैल्यू है वही वैल्यू होगी कॉस 40 डिग्री की, 90 माइनस 50 क्या होता है 40। तो इसी तरह कॉस को भी आप लिख सकते हो कॉस थीटा बराबर है साइन पाई बाय टू माइनस थीटा। तो आप ये काम कर लो, यहां पे साइन थीटा की जगह पे आप क्या लिख लो, साइन थीटा की जगह पे आप लिखो कॉस पाई बाय टू माइनस थीटा, और कॉस की जगह लिख दो साइन पाई बाय टू माइनस थीटा। अब अगर आप देखो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्ट हो गया पोलर फॉर्म के अंदर, रियल में कॉस इमेजिनरी में साइन एंगल आपके दोनों सेम है, अब आप इसको डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। मैं लिख देता हूं अप्लाई कर लो, आप अप्लाई करने का तरीका क्या होगा, सिक्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, और जो भी फिर वो हर सवाल में डिपेंड करता है किस तरह आप कर रहे हो, जो भी यह काम आगे परफॉर्म कर देते हो। या दूसरा तरीका ये है इसका कि आप क्या करो, ये जो पावर है ना इसके अंदर आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इस पावर के अंदर बात कर रहा हूं, पावर के अंदर आप क्या करो डिवाइड कर दो आयोटा से और मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये इस तरह होगा कि कंसीडर कर लो आयोटा से जो मल्टीप्लाई किया ना उसको बाहर रखो, मतलब पावर के अंदर ही होगा लेकिन वैसे बाहर होगा वो, ठीक है, और जो अंदर लिखा हुआ है ना उसको आप आयोटा से डिवाइड कर दो। अगर आप ऑब्जर्व करो ये एक्सप्रेशन थी, इसको मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मल्टीप्लाई वाला आयोटा बाहर लिखा हुआ है, डिवाइड वाला मैंने कर दिया डिवाइड, मतलब इसको आयोटा से डिवाइड करो आयोटा आएगा, इसको आयोटा से डिवाइड करो कैंसिल होकर कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप एक ही सिंप्लीफिकेशन करो उसके बाद हो जाएगा। सबसे पहले बार कॉस थीटा तो आपके पास आ गया, इसको आप एज इज लिख दो। ये जो वन अपॉन आयोटा है, वन अपॉन आयोटा बराबर होता है माइनस आयोटा के, तो सिंपल साइन के साथ है माइनस आयोटा, ठीक है, और ये है आयोटा की पावर सिक्स, बाहर आप लिख दो आयोटा की पावर सिक्स, मतलब यहां पे आप लगा दो आयोटा की पावर सिक्स, और यहां पे पावर सिक्स आ गई है, ठीक है। अभी भी अगर आप देखो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ नहीं है, पोलर फॉर्म में दरमियान में पॉजिटिव आ रहा होता है। अगर मजीद आपने यहां पे काम करना है वो ये है कि आप इनके एंगल चेंज कर दो, जैसे अभी ये माइनस है ना, मैं काम करता हूं यहां पर, मैं इसको इस तरह लिखता हूं तब आप लोगों को बात समझ आ जाएगी। मैं लिखता हूं कॉस माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस थीटा। ये मैंने किया क्या, कुछ भी नहीं किया मैंने, दरमियान में नेगेटिव था ना, तो मैंने अब कॉस माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर होता है ट्रिग्नोमेट्री में, मैंने बताया था, और साइन माइनस थीटा जो है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं आया, पहले भी कॉस थीटा था, अभी भी सॉल्व करो कॉस थीटा होगा, जबकि साइन के अंदर जब माइनस आता है तो माइनस को बाहर निकालते हो तो ये माइनस साइन थीटा। तो जो पहले लिखा हुआ था ना उसको मैंने डिफरेंट अंदाज में लिख दिया। अब अगर आप देखो आसानी से डिमॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर सकते हो उसके ऊपर। डिमॉर्गन थ्योरम क्या कहेगा भाई, रियल में कॉस इमेजिनरी में साइन दोनों के एंगल सेम है, दरमियान में पॉजिटिव है, दैट शुड ऑन डायरेक्ट सिक्स से मल्टीप्लाई करो आपके पास आंसर आ जाएगा, और बाहर आयोटा की पावर सिक्स है
जो कि माइनस वन के बराबर होती है शायद, हाँ, तो उसको हम देख लेंगे जो सॉल्व करना है। तो दो टेक्निक है, अगर आपके इस फॉर्म में फंक्शन आता है और आपने उसको डी मॉर्गन थ्योरम की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमें दो काम कर रहे होते हैं, डिपेंड करता है जिस सवाल में हम यूज कर रहे होते हैं वो वाली टेक्निक हम यूज कर लेते हैं। तो यहां से अब एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है डी मॉर्गन थ्योरम की। एक तो एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी कि यार आप मेन मकसद पावर निकालने के लिए यूज कर रहे होते हो, तो कुछ एप्लीकेशन देख लो। सबसे पहली एप्लीकेशन डी मॉर्गन थ्योरम की तो यही है कि अगर आपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर निकालनी है तो आसानी से निकाल सकते हो। यहां पे बात नोट करना है, ये जो n है वो यहां पे बिलोंग करता है इंटीजर से। अब अगर n इंटीजर नहीं होगा, फिर अगर कुछ और हुआ, फ्रैक्शन हो गया, फिर क्या होगा बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि डी मॉर्गन थ्योरम किस लिए कैलकुलेट होता है, अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई भी इंटीजर पावर है तो आप आसानी से पावर कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा काम ये कि अगर आप रूट निकाल ले, जैसे आप यार रियल नंबर के रूट निकालते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलू 4 का स्क्वायर रूट निकालो आप तो 2 आता है, इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर के भी तो रूट होंगे ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अगर आपने रूट निकालने हैं, चाहे 4th रूट हो, 6th रूट हो, कोई भी रूट हो, तो आप डी मॉर्गन थ्योरम से अप्लाई कर सकते हो। दूसरी एप्लीकेशन, तीसरी एप्लीकेशन ये इसकी कि अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक किस्म की इक्वेशंस हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो। हम यहाँ पे देखेंगे ऐसी इक्वेशंस जिनको आसानी से फैक्टराइज कर लो, सॉल्व करना हो, क्यूब रूट निकालना हो, फोर्थ रूट निकालना हो, तो इक्वेशंस को सॉल्व करना बाय यूजिंग डी मॉर्गन थ्योरम, ये भी इसकी एप्लीकेशन है। चौथी एप्लीकेशन इसकी ये है कि आप डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक, फॉर एग्जाम्पल ये आपको रिलेशनशिप बताएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आप सवाल पढ़ोगे साइन की पावर 5 थीटा को आप एक्सप्रेस करोगे इन टर्म ऑफ मल्टीपल एंगल्स। अब वो कॉस के मल्टीपल एंगल हो सकते हैं, साइन के जो भी हैं, मतलब कहने का मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की पावर्स वाले फंक्शन है, साइन की पावर 5, कॉस की पावर 5, उनका रिलेशनशिप आपको बताएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो मल्टीपल एंगल के अंदर है, मतलब साइन 5 थीटा, साइन 3 थीटा। मैं इसको आप ये समझ लो, एक तरफ है पावर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मल्टीपल एंगल। मल्टीपल एंगल का मतलब 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, इनके दरमियान रिलेशनशिप आप आसानी से डी मॉर्गन थ्योरम से निकाल सकते हो। और पांचवी और आखिरी एप्लीकेशन जो हम पढ़ेंगे वो ये होगी कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है उनको भी प्रूफ कर सकते हो। अभी ऐसे सवाल में आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें आपको प्रूफ करना होगा कि लेफ्ट हैंड राइट साइड के बराबर है, तो वो भी आप डी मॉर्गन थ्योरम से कर सकते हो। तो पांच एप्लीकेशन है जो हम पढ़ेंगे, जिसमें से एक एप्लीकेशन तो काइंड ऑफ मैंने आपको बता दी किस तरीके से पावर कैलकुलेट करनी होती है, बाकी एप्लीकेशन पे हम जरा गौर करेंगे। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है डी मॉर्गन थ्योरम से रिलेटेड, तो वो मैं पहले करवा दूं। कुछ सिंप्लीफिकेशन करनी होती है फ्रैक्शंस की, वो हो जाए तो उसके बाद फिर हम जो एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं डी मॉर्गन की। ये भी किस्म की एप्लीकेशंस ही है। सवाल आपके पास लिखा हुआ है, सिंस 4 थीटा टू द पावर 3, फिर लिखा हुआ है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा टू द पावर माइनस 4, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है सिंस थीटा टू द पावर माइनस 5 और सिंस 2 थीटा टू द पावर माइनस 6। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करके मतलब सिंपल सिंस थीटा की फॉर्म में आपने आंसर इसका दे देना है। अब वो सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, सिंप्लीफिकेशन ये होगी कि आप हर फैक्टर्स को देखो ना, तो उसको आपने सिंस थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जस्ट सिंस थीटा हो, फिर आप एक्सपोनेंट आपस में बेसिस सेम होंगे, एक्सपोनेंट को ऐड करके सिंप्लीफाई फॉर्म में कर दोगे। किस तरीके से जरा देख लेते हैं। आप क्या करो यहां पे, सबसे पहले आप ये जो सिंस 4 थीटा है ना, इसको आप इस तरह भी तो लिख सकते हो ना, सिंस थीटा टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 12। अभी डी मॉर्गन की एप्लीकेशन है ना, आप उल्टा जा रहे हो बैकवर्ड। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे पावर है 12 कंसीडर कर लो, तो आप डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करते हैं। ये सिंपली सिंपल लैंग्वेज में क्या है, ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है ना, और इसकी पावर 12 है, तो डी मॉर्गन थ्योरम ने क्या था, 12 को मल्टीप्लाई कर दो थीटा से। ठीक है, तो वही काम किए, ये जो 4 था ना, कंसीडर कर लो 4 ऊपर था ना, 12 में से आपने पहले 4 मल्टीप्लाई किया हुआ था, 4 को मैंने जाके दोबारा 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक ही बात है, आप पावर्स को थीटा से मल्टीप्लाई कर दो या सिंप्लीफाई करते हुए उस जो थीटा के साथ लिखा हुआ है, बशर्ते देखे वो इंटीजर होना चाहिए, अभी फ्रैक्शन की मैं बात नहीं कर रहा, उसको दोबारा पावर से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। इसी तरीके से अगर इसकी बात करें, अभी इस पर डी मॉर्गन थ्योरम आपको अप्लाई होता है नजर नहीं आ रहा, आप एक काम करो जो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि दरमियान में माइनस आ रहे ना, उसका हल हम इस तरह निकालते हैं, ये काम कर रहा हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे देख लेंगे इस पर डी मॉर्गन थ्योरम जो भी है। नीचे अगर आप देखो, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, सिंस थीटा के फॉर्म में ऑलरेडी है, ऐसी रहने दो। इसको देखो अगेन 2 इसका ले जाओ, ये हो जाएगा सिंस थीटा 2 को मल्टीप्लाई करो माइनस 12। अब बस आपने इसको सॉल्व करना है, बाकी तो आपको ऑलरेडी सिंस की फॉर्म में कन्वर्ट है। तो पहली वाली चीज है सिंस थीटा टू द पावर 12,
इसमें अगर आप देखो इसका जो ऑर्गोमेट है उसमें आया माइनस थीटा, मतलब माइनस वन मल्टीप्लाई हुआ है थीटा से, तो सिंपल इस माइनस वन को दोबारा जाके मल्टीप्लाई करवा दो उसको, तो ये हो जाएगा सिस थीटा टू द पावर फोर। क्या किया मैंने, सबसे पहली बात इसको शॉर्ट फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखोगे ना सिस माइनस थीटा इस वाली एक्सप्रेशन को, और इसके ऊपर होल पावर थी माइनस फोर, तो ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था रिवर्स डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करके मैंने इसको ऊपर ले गया, माइनस वन इससे मल्टीप्लाई होगा इसको पॉजिटिव कर देगा, और डिनोमिनेटर में सब चीजें एज इट इज लिखी हुई है। तो अब मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि आप सिंपल मैथ अप्लाई करो, वो ये कि जब बेसिस सेम हो तो पावर्स को ऐड कर दो आप, और दूसरी बात अगर नीचे से एक्सप्रेशन ऊपर लेके आ रहे हो तो उसकी पावर नेगेटिव होती है, तो एक ही फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं एक ही स्टेप के अंदर, वो ये है सिस थीटा सबसे पहले पावर 12 है, देखो दोनों की बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो गए ठीक है, और जब ये नीचे से ऊपर आएंगे तो नेगेटिव होंगी, माइनस फाइव ऊपर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव फाइव, ये ऊपर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव 12, तो सॉल्व करो 24, 24 9, 33, तो सिंपल इस एक्सप्रेशन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा सिस टू द पावर 33। अगर मजीद एक्सपेंड करना चाहते हो तो किस तरह लिखोगे, कॉस 33 थीटा प्लस आयोटा साइन 33 थीटा, इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो, दोनों इसके आंसर हो सकते हैं, ये आपके पास सिंप्लीफाई आपने कर लिया बाय यूजिंग डी मॉर्गन थ्योरम। उसके बाद मेरे पास एक प्रूफ वाला लिखा हुआ है तो वो अच्छा लग रहा है, वो जरा हम करते हैं। कंडीशन क्या है लिखी हुई है कि इफ यार इफ ए इक्वल टू सिंस 2 अल्फा, अच्छा जी बी इक्वल टू सिंस 2 बीटा, और सी के बारे में लिखा हुआ है सी जो है वो सिस 2 गैमा है, डी के बारे में लिखा हुआ है ये सिस 2 थीटा है। और प्रूफ आपको करना है दो चीजें प्रूफ करने की, लेकिन चलो एक ही कर लेते हैं ताकि आपको बात समझ आ जाए। आपको प्रूफ करना है कि स्क्वायर रूट ए बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 2 cos α प्लस बीटा माइनस गैमा, ये आपको प्रूफ करना है। अब देखो यहां पे एक बेसिक बात समझ लो, चलो वो जब मैं करवाऊंगा तब आपको बता दूंगा। सिंपल आप लेफ्ट हैंड साइड ट्रिक कर लेते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर सकते हो आसानी से। आप पुट करो ए बी, ए यहां पे क्या है सिंस 2 अल्फा, बी यहां पे क्या है सिंस 2 बीटा, डिवाइडेड बाय सी यहां पे है सिंस 2 गैमा, और सेम यहां पे भी कर लेते हैं सिंस 2 गैमा डिवाइडेड बाय सिंस 2 अल्फा सिंस 2 बीटा। यहां पे कॉन्सेप्ट कंसीडर कर लो, यहां पे अज्यूम करना पड़ेगा इस सवाल में मेंशन नहीं कि अल्फा बीटा गैमा और थीटा यहां पे कोई इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको आप इस तरह समझो कि बिल्कुल अगर आपके पास लिखा हुआ हो सिस 6 लिखा हुआ सिंपल ठीक है, एंगल आपका यहां पे 6 है, आप इसको तोड़ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप लिखो सिस 2 मल्टीप्लाई 3, इस तरह भी कर सकते हो ना, तो फिर आप इस पर डिमावे थोड़ा अप्लाई करके इस तरह लिख सकते हो सिस 2 की पावर 3, अगेन वो 3 मल्टीप्लाई होगा एंगल से जाके 3 मल्टीप्लाई 2 6 हो जाएगा वो, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो 6 3 और बाहर 2 लगा दो। एज फार एज अगर इंटीजर्स हैं तो आप आसानी से इनको खेल सकते हो आपस में, तो कंसीडर एज्यूम कर लो अल्फा बीटा गैमा और थीटा जो है यहां पे इंटीजर्स हैं, तो आप क्या करो क्योंकि आपको बेसिस सेम करनी है ना सिंप्लीफाई करना है, अब सब में देखो 2 2 आ रहा है तो 2 आपके मतलब क्या है, आप क्या करो अल्फा को पावर बना दो, अल्फा पावर बन गए, इसी तरह यहां पे आप लिखो सिस 2 बीटा को पावर बना दिया आपने, इसी तरह यहां पे लिखो सिस 2 गैमा को पावर बना दिया, सेम काम यहां पे भी कर देना, यहां पे लिखूंगा टाइम ज्यादा होगा सिंप्लीफाई कर लेंगे हम डायरेक्ट। तो अगर आप ऑब्जर्व करो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जब आप बेसिस सेम करोगे, अब एक ही स्टेप में लिख देते ना, तो यहां पे जब आप बेसिस सेम करोगे क्या हो जाएगा सिस 2 टू द पावर, ये है अल्फा ये है बीटा ऐड कर दो, और जब ये नीचे से ऊपर आएगी तो ये हो जाएगा गैमा माइनस गैमा, बेसिस सबकी सेम है ना, और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो ऊपर गैमा पावर है ना, तो गैमा के साथ पॉजिटिव होगा बाकी के साथ नेगेटिव होगा, तो सिस सिस 2 मल्टीप्लाई गैमा माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये हो जाएगा ठीक है। उसके बाद आपको पता है ये जो स्क्वायर, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं, ये जो स्क्वायर रूट है ये क्या होता है, ये होता है 1/2, इसी तरह यहां भी कंसीडर करते हैं ये होता है 1/2।
अब यहाँ पे दो पावर्स है, अगर हकीकत में देखो एक है अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा और एक है 1/2। इसी तरह यहाँ पे भी दो पावर्स हैं, आप चाहो तो एक साथ लिख सकते हो, इन पावर्स को मल्टीप्लाई करो, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा डिवाइडेड बाय 2, सेम गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे एक चीज देख लो, यहाँ पे पावर नेगेटिव है, आप कहोगे सर डिमोवर थ्योरम अप्लाई, सॉरी पावर फ्रैक्शन है, डिमोवर थ्योरम में अप्लाई करूंगा। पावर फ्रैक्शन पे डिमोवर थ्योरम कैसे अप्लाई होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन एक बात ध्यान में रख लो कि जब पावर 1/2 है ना तो आंसर में दो कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं, लेकिन अगेन एक जो है वो प्रिंसिपल कहलाता है। जैसे आपने सिंपल देखा होगा स्क्वायर रूट 4 है, उसके स्क्वायर रूट एक नहीं, उसके स्क्वायर रूट 2 होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल स्क्वायर रूट क्या होता है, पॉजिटिव वाला 2 जिसको आप लेते हो, ठीक है। तो सेम जो 1/2 जब पावर आ गई ना स्क्वायर रूट, तो दो आंसर आएंगे यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे प्रूफ करने के लिए जो प्रिंसिपल वाला जो है ना वो हम कंसिडर कर रहे हैं। तो आप क्या करो, ये 1/2 पावर है, इसको अंदर ले आओ, तो पहले से मौजूद था सिर्स, ठीक है, तो ये पावर मतलब ये पावर 2 मौजूद थी ना, इस वाली पावर का एजरे करने दो, इस पर डिमावर थ्योरम अप्लाई करके अंदर ले आओ, तो 1/2 अंदर आके नीचे आ जाएगा इस तरह, और बाहर पावर है अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। इसको डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, सिर्स 1 हो जाएगा। तो हम इस तरह लिख लेते हैं कि सिर्स 1 और बाहर पावर है अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। और अगर आप इसकी बात करो अगेन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिर्स 1, इसकी पावर है गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा। जरा सॉल्व करते हैं, अगर आप चाहो तो चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। अब आप क्या करो, अगेन इस पूरी पावर को मल्टीप्लाई करवा दो, अगेन वो डिमोवर थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा सिस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, यहां पे हो जाएगा सिस गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा। आप चाहो तो ये दोनों चीजें सेम ही है, अगर आप इससे माइनस कॉमन लो, इसके एंगल से जब माइनस कॉमन लोगे अल्फा बीटा पॉजिटिव हो जाएगा, गामा नेगेटिव हो जाएगा। आपको पता है कॉस के अंदर अगर नेगेटिव हो तो सिंपल लैंग्वेज में इस वाले अगर आप इसको एक्सप्रेस करोगे तो ये क्या होगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, ये दो टर्म आएंगे ना इसके अंदर। और जब इसको एक्सपेंड करोगे तो ये होगा कॉस, मैं एज्यूम कर रहा हूं माइनस कॉमन लेने के बाद, तो ये हो जाएगा कॉस जिसके एंगल में होगा माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस आयोटा साइन जिसके एंगल में होगा माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। जब आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा ना अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, उसके बाद कॉस और साइन दोनों के एंगल आप बना दोगे। तो वहां पर ऑब्जर्व करोगे यहां पे जो साइन की टर्म होगी जब आप इसको एक्सपेंड करोगे और यहां पे जो साइन की टर्म होगी वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो पीछे आपके पास क्या बचेगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, और यहां पे बचेगा कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, जो आपका सवाल प्रूव करना था आपको। तो सिंपल आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है जो सिस का होता है ना, सिस की जगह बस आपने ही काम करना है, आपने लिखना है कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। सेम काम उसके साथ करना, कॉस माइनस कॉमन लेना है आपने, तो इसलिए हम इस तरह कर देते हैं माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा प्लस आयोटा साइन माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। अब इसका माइनस तो इग्नोर कर दो तो ये दोनों सेम चीज हो जाएंगे ऐड करोगे, और इसका माइनस जब बाहर आ जाता है तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो वो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप डिमोवर थ्योरम की एप्लीकेशन देख रहे हो कि आप आसानी से प्रूफ कर रहे हो। सवाल आपके पास क्या है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा टू द पावर 4। सॉल्व करने का तरीका बच्चों ये होगा, सबसे पहले अगेन वही आपको किस तरह ना इसको एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, एक फॉर्म में जब हो जाएगा तो आपको आसानी हो जाएगी। एक फॉर्म में कैसे होगा, सिंपल लिखो सिस थीटा, ऊपर वाले को तो आप ऐसे लिख सकते हो सिस थीटा की पावर है, ऊपर वाला तो मसला नहीं कर रहा। अब अगेन अगर आप यहां पे मसला देखो, आप डायरेक्ट डिमोवर थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, उसको सिस थीटा ही लिख सकते आप, क्योंकि रियल में साइन आ रहा है यहां पे। तो वही काम करो आप जो मैंने बताया था। अब यहां पे कौन सा वाला काम ज्यादा अच्छा है, वो जो दूसरी वाली टेक्निक मैंने आपको बताई थी कि आयोटा से डिवाइड करने वाली, आप क्या कर रहे हैं, आप इसको आयोटा से डिवाइड करो नीचे आ जाएगा, और इसको जब आयोटा से डिवाइड करो जस्ट कॉस थीटा आ जाएगा, और जो डिवाइड किया मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई वाला यहां लिख दिया, और बाहर पावर क्या है, बाहर पावर 4 है। अब अगेन 1/ आयोटा माइनस आयोटा के बराबर होता है, तो साइन के साथ क्या आ जाएगा, कंसिडर कर लो माइनस आयोटा आ गया, इस आयोटा को पावर 4 के बाहर निकाल देते हैं, तो सिंपली कहा कि क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा टू द पावर 4। अब आयोटा 4 1 होता है तो इग्नोर कर देते हैं इसको, ऊपर बचा सिस थीटा टू द पावर 8।
अब नीचे क्या बचेगा, अगेन वही काम करोगे, इधर भी माइनस थीटा लगाना, इधर भी माइनस थीटा लगाना, और सिंप्लीफाई करना ही हो जाएगा, सेल्स थीटा उस माइनस वन को बाहर मल्टीप्लाई करवा देना, ये हो जाएगा। अब बेसिस सेम है, ऊपर लेके आओगे तो ये हो जाएगा सिंपल सेल्स थीटा 8+4 जो कि बराबर होगा सेल्स थीटा टू द पावर 12, जिसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, सेल्स 12 थीटा प्लस आयोटा साइन 12 थीटा। ये जो आपके पास सिंप्लीफिकेशन है ये हो गई है, तो सवाल आपका कंप्लीट हो गया। मैं कल में आखिरी सवाल था ये इस टॉपिक से रिलेटेड। बच्चों इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो बाकी एप्लीकेशंस है ना, सबसे पहले रूट किस तरीके से आपने मालूम करना है, वही डिमांड थ्योरम पे अगर पावर नेगेटिव हो लेकिन फ्रैक्शन हो वो तो किस तरीके से आप करोगे, इसी तरीके से वो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को भी प्रूफ कर लेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। मजीद पढ़ते हैं, अल्लाह हाफिज़।